खानवापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं इसके ठीक एक दिन पहले ही देवबंद से जमीयत उलेमाए हिंद ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें काशी और मथुरा का भी जिक्र किया गया है। निचली अदालतों के कामकाज पर टिप्पणी की गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कॉमन सिविल कोर्ट को इस्लाम के नियमों के खिलाफ बताया गया, शरीयत को देश के कानून से ऊपर बताया गया। ये रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं। बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को, तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे, मेरे मस्जिद के तकद्दस को पामाल किया जा रहा है तुम कुछ नहीं बोलोगे, मेरी बेइज्जती की जा रही है तुम कुछ नहीं बोलोगे, मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। मगर हम बीजेपी से भी कहना चाह रहे हैं, आरएसएस से भी कहना चाह रहे हैं, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला, हम नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी पर सुनवाई के बीच जमीयत उलेमाए हिंद की तकरीरें देखने लायक है। जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे, और हम कमजोर लोग हैं, हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मनफी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उगला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो कहते हैं लो जी तुम तो तलाक दे ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं हां तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे, और अगर दोनों कबूल करेंगे तो उसका रास्ता कौन रोकेगा, कोई रोक सकता है उसका रास्ता। तो सुना आपने, महमूद मदनी ने अपनी तकरीरों में शरीयत को देश के कानूनों के ऊपर रख दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब कॉमन सिविल कोड की चर्चाएं हैं। उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन दो दिन के सम्मेलन में जमीयत ने साफ कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी तलाक जैसे नियम कानून किसी समाज या इंसान के बनाए हुए नहीं हैं। ये रीति रिवाजों या संस्कृति के मामले नहीं हैं, बल्कि नमाज, रोजा, हज जैसी चीजें हमारे मजहबी आदेशों का हिस्सा हैं। ये पवित्र कुरान और हदीसों से लिए गए हैं, इसलिए इनमें किसी तरह का कोई बदलाव इस्लामिक मान्यताओं में हस्तक्षेप होगा। कई लोग पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।